हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाना फ्रूट्स डिज़र्ट। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आपको घर में ही मिल जाएंगे और आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं और किसी भी पार्टी में भी आप बना के इसे आप एंजॉय कर सकते हैं और बच्चे के लिए कभी भी आप इसे बना के आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है दोस्तों। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने एक कप सागू जो मैंने एक घंटा पहले अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो के रखा था, तो अच्छा से ये भीग चुका है। आप चाहिए तो मोटा वाला और पतला वाला कोई भी ले सकते हैं। तो अच्छा से देखिए सॉफ्ट हो गया है। तो हम चलिए तो इसे हम बॉईल कर लेते हैं। आप कोई भी सस्पेन या कढ़ाई ले सकते हैं और पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा दे देना है। तो हम 5 मिनट में इसे पका के तैयार कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे साबूदाना तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट इसे पका लिया है और अच्छा से ये देखिए खुल गया है हमारा साबूदाना। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको नॉर्मल पानी से आपको एक बार वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना कितना चिकना दिख रहा है और बिल्कुल ये चिपकेगा नहीं, और साबूदाना जो हम डिज़र्ट आज बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो चलिए एक साइड में रखते हैं और दूसरी साइड में हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर दूध। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी फुल फैट और नॉर्मल दूध आप ले सकते हैं। तो चलिए अच्छे से इसे एक दो उबाल आने देंगे, फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से हमने उबाल लिया है, तो इसमें अभी हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लेता हूँ और इसे काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। आप जरूर एक बार बना कर देखिएगा और अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है। फिर मिठास के लिए हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी इसमें ऐड कर लेता हूँ और अच्छे से एक बार मिक्स करके फिर हम तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम हम इसे उबाल लेते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने ठंडा दूध लिया है, उसमें हम डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर का लिया है, तो हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा सा पतला हम रखेंगे, तो इसलिए मैंने 1 बड़े चम्मच इसमें ऐड किया है। और गैस का फ्लेम मीडियम पर रखते हुए आपको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से 1-2 उबाल आने देंगे हम, जैसे कि मैंने बोला ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारा कस्टर्ड पाउडर मिक्स हो चुका है। तो इसका कंसिस्टेंसी देखिए इतना आपको रखना है, ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी और भी हो जाएगी। तो चलिए एक बर्तन में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अभी हम इसे ठंडा करके फिर हम फ्रिज में रखेंगे। पहले आपको फ़ैन के नीचे रख देना है, ठंडा होने के बाद फिर फ्रिज में आप रख देना है 1 घंटे के लिए। अच्छा से जब ठंडा हो जाए तो फिर हम निकाल के इसमें हम डाल देंगे साबूदाना सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टर्ड मिल्क है ना, ये थोड़ा सा मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो पी सकते हैं और खा भी सकते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए कुछ हम फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट्स है आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। ऐसे भी अगर कुछ ना मिले तो भी आप 1-2 फ्रूट्स भी डाल के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जब सीजन हम बनाते हैं ना तो सब कुछ मिलता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए अच्छा से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और देखिए हमने बढ़िया सा साबूदाना और फ्रूट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस साबूदाना फ्रूट डिज़र्ट रेडी है। तो चलिए सर्विंग करते हैं। आप चाहे तो इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और बिल्कुल ठंडा ठंडा आप खा सकते हैं। तो ये था हमारा साबूदाना और फ्रूट डिज़र्ट, बहुत ही यम्मी लगता है और ख़ास करके रमज़ान के टाइम में और नवरात्रि व्रत के लिए और किसी भी पार्टी में अगर बच्चे कभी भी मांगते हैं तो आप इसे बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल से रेसिपी है और आप जल्दी बना के भी तैयार कर सकते हैं और सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।